सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप सभी लोग के समक्ष मैं फिर से हाजिर हूं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी जब गेस किया था तो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, तो इस बार भी आप लोग तैयार रहिएगा, प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, तो अपने कॉन्सेप्ट को भी आप परखते रहिए कि आपको कितना आ रहा है, और सभी क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कॉपी और पेन उठाइए और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:8 या 11:14, ठीक है। तो अनुपात दोस्तों आपको पता ही है कि बटे के रूप में होता है, 5:8 लिखा है, यानी कि जो दिए गए हैं अनुपात उनको आप कितना लिख सकते हैं, 5:8 मतलब कि 5/8 तथा 11:14 मतलब कि 11/14, ठीक। अब जब दो परिमेय संख्याओं का दोस्तों हमें कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हर बराबर होते हैं तब हम कंपैरिजन कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं। जब हर बराबर हो जाते हैं तो हम अंश को देख करके कह सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो धनात्मक परिमेय संख्याएं आपको दी गई हैं, तो जब आप हर बराबर कर लेंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो 8 और 14 जो हर में है उनका आपको लासा लेना है, लघुत्तम समापवर्त्य लेना है, एलसीएम लेना है, तो 8 और 14 का लासा ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए 8, 14। अब इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, फिर से 2 से चेक करेंगे तो 4 में भाग जा रहा है 7 में नहीं जा रहा है, तो 2 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो 2 से फिर से भाग देंगे, 2 यहाँ बचेगा, फिर यहाँ 7 बचेगा, जब 7 में भाग नहीं जा रहा तो 7 को इसी प्रकार हम लिख लेंगे। अब देखिए 2 से फिर से भाग जा रहा है तो 2 से फिर से भाग दे देंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा। अब यहाँ पे 1 आ गया दोस्तों, अब हम लोग को देखना है 7, 7 एक संख्या बच गई है, अब हमें चेक करना है कि 7 में 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो 2 से भाग नहीं जा रहा, फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे, और इस प्रकार इसके बाद दोस्तों 3 से चेक करेंगे, भाग नहीं जा रहा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, तो 7 से अब भाग जाएगा इसमें, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक। अब लासा कितना हो जाएगा दोस्तों, लासा हो जाएगा इनका आप गुणा कर लीजिए, तो 2 × 2 × 2 × 7 यानी कि 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 56 होता है दोस्तों, 56। तो यहाँ पे हमें लासा कितना मिल जाएगा, 56। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 56 मिल गया दोस्तों, तो अब दोनों के हरों को हम समान कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे, अब 5/8 था दोस्तों, ठीक है, तो बटे में 8 है और एलसीएम कितना आया, 56। तो 8 से अगर 56 में हम लोग भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 7 बार, तो 7 का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, तो 5/8 में 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35/56, ठीक है। तो अब 5/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5/8 को हम लोग लिख सकते हैं 35/56, और इसी प्रकार 11/14 जो भिन्न है इसमें हम लोग 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और यह भिन्न कितना हो जाएगा, 44/56, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों हमें मिल गए, एक 35/56 और एक 44/56, तो 44/56 का अंश जो है वह बड़ा है तो यह बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे इस प्रकार हम लिख सकते हैं 44/56 इज ग्रेटर देन, बड़ा है 35/56 से, ठीक है। तो इस प्रकार ये 44/56 कौन सा अनुपात है दोस्तों, 44/56 अनुपात है 11/14 का, तो 11/14 बड़ा हो जाएगा 5/8 से, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपसे दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा था कि कौन सा
अनुपात बड़ा है, तो 11:14 यहाँ पे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी लोग बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। अब देखिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 करणी में 3 सेमी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब दोस्तों ये प्रश्न पढ़ते ही कई लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने लगाए होते हैं, जो हमने फॉर्मूले याद किए होते हैं, तो हमें बहुत जल्दी होती है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कई लोग ऊंचाई नहीं देखेंगे, भुजा की जगह ऊंचाई रख देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। यह फॉर्मूला दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो कई लोग जल्दबाजी में सीधे यही फॉर्मूला लगाने लगेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है दोस्तों। आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम हॉल में। टाइम कम रहता है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेंगे, मतलब कि एक भुजा अगर एक्स है तो बाकी भुजा भी एक्स होगी, मतलब कि तीनों भुजाएं जो होती हैं वह समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं। तो एक भुजा अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्योंकि भुजा यहाँ पे हमें पता नहीं है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमें भुजा का पता होना जरूरी है। तो अब देखिए भुजा किस प्रकार हम निकालेंगे। यहाँ पे हमने त्रिभुज एबीसी बना लिया है, यह एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजा है वह एक्स सेंटीमीटर की है। ठीक है, और ऊंचाई हमें यहाँ पे दोस्तों दी गई है। ऊंचाई मतलब क्या, अगर ए से हम लोग लंब डालते हैं, ठीक है, भुजा बीसी पे, तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, अब यही ऊंचाई हमें पता है दोस्तों यहाँ पे 3√3। ठीक, यह ऊंचाई हमें दी गई है। तो अब देखिए एक्स का मान हम इसके थ्रू कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों ये जो पूरी लंबाई है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग डी है, अब ये पूरी लंबाई जो है वह एक्स है, और जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आधी दूरी जो हो जाएगी बीडी, यह x/2 हो जाएगी। ठीक, अब दोस्तों हमें बी डी पता हो गया, देखिए हमें बी डी का मान पता है, बी डी का मान पता है x/2, और ए डी का मान पता है कितना दिया गया है ऊंचाई 3√3। ठीक, और ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है वह एक्स है। ठीक, अब त्रिभुज ए डी बी में आपको देखना है, त्रिभुज ए डी बी में आपको देखना है, मतलब कि ये जो त्रिभुज है इधर वाला, दो त्रिभुज दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो बाएं साइड वाला त्रिभुज है ए डी बी, ये वाला त्रिभुज आपको देखना है। इस त्रिभुज में देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग को पता होगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वह बराबर होता है आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कर्ण यहाँ पे क्या है, ए बी भुजा है, यानी कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा लंब यानी कि ए डी के स्क्वायर के धन आधार यानी कि बी डी के स्क्वायर के। ठीक, तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी की लंबाई कितनी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, फिर ए डी कितना है 3√3 यानी कि 3√3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी डी कितना है x/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। अब दोस्तों चर को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं और अचर को एक तरफ, यानी कि x² और x/2 का होल स्क्वायर हम लोग इधर ले आएंगे, उधर प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि x/2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे कितना लिख सकते हैं, x² - x² / 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3√3 × 3√3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, यानी कि 4 LCM आ जाएगा, पूरे के बटे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² - x² तो ये कितना आ जाएगा, अब देखिए 3 का गुणा 3 में होगा 9, और फिर √3 का गुणा √3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3 यानी कि 9 × 3। ठीक,
अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 9 इंटू 3। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए अगर केवल हम इधर x स्क्वायर रखना चाहें तो देखिए ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में है, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा और ये जो 3 यहाँ x स्क्वायर का कोफिशियंट है मतलब कि x स्क्वायर का मल्टीपल है, x स्क्वायर में जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वह इधर नीचे आ जाएगा, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x स्क्वायर 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 और x बराबर कितना लिख सकते हैं रूट 36 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब कि त्रिभुज जो सम बाहु त्रिभुज हमें दिया गया है इसकी जो भुजा हो जाएगी वह 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें भुजा मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अब हमें दोस्तों लगाना है। आपको जल्दबाजी में पहले फॉर्मूला नहीं लगाना था, आपको अभी फॉर्मूला लगाना है। जो एरिया हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का वह कितना होता है रूट 3 बाई 4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, यह केवल समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लगता है दोस्तों। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तभी यह फॉर्मूला लगेगा, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 3 बाई रूट 3 बाई 4 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक, तो रूट 3 बाई 4 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 और फिर 4 से हम लोग 36 को काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इसे कितना लिख सकते हैं 9 रूट 3, 9 का गुणा हो रहा है रूट 3 में, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर भी इसे आप लिख सकते हैं। तो 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हमारा उत्तर हो जाएगा। जो क्षेत्रफल आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का वह आ जाएगा 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और जहां गलती हो सकती है वह भी मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं। तो आपसे कोई भी गलती हो एग्जाम में इसकी गुंजाइश मैं नहीं छोड़ रहा हूं, तो आप लोग भी बने रहिए साथ में, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 3 बाई 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको मान दिया गया है वह आप पहले देखिए, आपको मान दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 2, यह आपको मान दिया गया है। इसमें x की घात दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि x की घात 1 है और जो आपसे मान पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है, इसमें x की घातें देखिए 2 है। ठीक है, तो आप किसी प्रकार क्या करिए कि x की घात आपको 2 लानी है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आप क्या करिए, जो आपको दिया गया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, यही आपको दिया गया है। x माइनस 1 बाई x की वैल्यू दी गई है तो इसी का आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो x माइनस 1 बाई x का स्क्वायर हम लिखेंगे दोस्तों तो कितना होगा, a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यह बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 1 बाई x है। ठीक, तो कितना हो जाएगा यह a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बाई x स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 बाई x स्क्वायर फिर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू x इंटू 1 बाई x। अब यहाँ पे देखिए x x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक अंश में है और एक हर में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा 2 केवल। ठीक, अब इसके बाद x माइनस 1 बाई x की वैल्यू हमें कितनी पता है 3 बाई 2 यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसकी जगह 3 बाई 2 रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर और बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर फिर यहाँ कितना बचा था 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और इसके बाद देखिए 3 बाई 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक,
अब इसके बाद इधर देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसी प्रकार हमने लिख लिया। अब अंक को एक तरफ आपको करना है और जो चर पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो चर कितना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इधर ये जो माइनस 2 है इसको इधर आप भेज दीजिए। तो यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 9 बाई 4 प्लस 2। ठीक है, अब हर बराबर कर लीजिए यहाँ पे। तो हर बराबर करेंगे तो देखिए 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों, यही आपको निकालना था। उत्तर हो जाएगा 17/4। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न है, परिमेय संख्या ऋण 7/9 कामा ऋण 5/21 और ऋण 7/3 को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम दोस्तों आपको पता होगा कि संख्याओं का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी और एकदम अंत में सबसे बड़ी संख्या को जो हम लोग रखते हैं, इस क्रम में संख्याओं को रखते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पे आपको 3 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इन्हीं संख्याओं को आपको बढ़ते हुए आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए दोस्तों आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। तो यह पता लगाने के लिए जैसे अभी हमने रेशियो वाले क्वेश्चन में किया था, अनुपात वाले क्वेश्चन में, वही यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं का कंपैरिजन हमें करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्वप्रथम हर बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, हर बराबर कर लेंगे। तो 9, 21 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 63, यह आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद 63 हमें एलसीएम मिल गया है, फिर अब इन संख्याओं को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ऋण 7/9 को कितना लिख सकते हैं, ऋण 49/63, ऋण 49/63 और ऋण 5/21 को कितना लिख सकते हैं, ऋण 15/63 और ऋण 2/3 को कितना लिख सकते हैं, ऋण 42/63। ठीक है, तो ये संख्याएं दोस्तों हमें मिल जाएंगी। अब दोस्तों जैसा कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का जब कंपैरिजन हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि जिसका अंश जो होता है वह बड़ा होता है वह परिमेय संख्या बड़ी होती है, यह धनात्मक के केस में होता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऋणात्मक संख्याओं के केस में यही उल्टा होता है दोस्तों, कि जितना बड़ा अंश होगा ऋण में उतनी ही छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंश जिसका होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अंश है वह ऋण 49/63 का है, तो सबसे छोटी संख्या में मिल गई ऋण 49/63। फिर इसके बाद देखिए किसका अंश बड़ा है ऋणात्मक में, तो ऋण 49/63। तो इसके बाद हम लोग लिख लेंगे ऋण 49/63 और इसके बाद सबसे छोटा अंश कितना है ऋणात्मक में किसका है, तो ऋण 15/63, यह सबसे छोटा अंश है इन तीनों संख्याओं में, तो ये सबसे बाद में आ जाएगा, यानी कि इन तीनों में ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ऋण 15/63। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग असल रूप में संख्याओं को लिख लेते हैं। तो ऋण 49/63 कौन सी संख्या थी, ऋण 7/9। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऋण 7/9। फिर देखिए इसके बाद जब हमने क्रम में लगाया है तो कौन सी संख्या मिली है, ऋण 42/63 और ऋण 42/63 कौन सी संख्या है, ऋण 2/3। तो यहाँ इसके बाद ऋण 2/3 लिख लेंगे। अब इसके बाद ऋण 5/21 अंत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा दोस्तों, आरोही क्रम हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम जो प्रश्न में कहा था आरोही क्रम में लिखिए, तो ये आरोही क्रम होगा तीनों ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का। तो ऋणात्मक है संख्याएं या धनात्मक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या में अगर आपको कंपेरिजन करना होगा तो आप एकदम आंख बंद करके कर सकते हैं, कोई भी धनात्मक संख्या जो होती है वह किसी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा, आप यहां से भी समझ सकते हैं, ये अगर नंबर लाइन है
तो कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी तो बाएं तरफ पड़ेगी, और कोई भी धनात्मक संख्या होगी तो दाएं तरफ पड़ेगी। और संख्या रेखा पर जब हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक संख्या इसीलिए ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। अब देखिए दोस्तों, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इस प्रश्न पे आप विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, नीचे दी गई सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमें एक सारणी दी गई है, इस सारणी के आधार पे हमें यहाँ नीचे कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिए गए हैं, और यहाँ पे इन प्राप्तांकों के टैली चिन्ह और बारंबारता दी गई है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी स्कूल में कोई परीक्षा हुई होगी, तो एक क्लास में 10 से 15 नंबर के बीच कितने छात्र छात्रों को मिला है, फिर 15 से 20 नंबर के बीच में कितने छात्रों को मिला है। तो इस प्रकार यही यहाँ पे दिखाया गया है इन आंकड़ों के माध्यम से, और इनका टैली चिन्ह भी दिखाया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको उत्तर करना है। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो यह देखने के लिए आपको कहाँ देखना है, बारंबारता वाले कॉलम में देखना है। अब बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या में 14 दिख रही है, और 14 के सामने कौन सा वर्ग है यह आप देखिए, तो 14 के सामने 20 से 25 वाला वर्ग है, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 20 से 25 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है किस वर्ग की बारंबारता 10 है। देखिए किसकी 10 है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है बारंबारता, और यह किस वर्ग की है, 30 से 35। तो यहाँ पे उत्तर आप लिख सकते हैं 30 से 35 वर्ग की जो बारंबारता है वह 10 है। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा दिया गया है दोस्तों वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल कितना है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में ही उत्तर आपका छिपा है, 10 से 15 वर्ग में वर्ग अंतराल कितना है। तो किसी भी वर्ग का वर्ग अंतराल जो होता है वह जो उसकी उच्च सीमा होती है, यानी कि 10 से 15 का वर्ग है तो बाद में जो पड़ रहा है उच्च सीमा में से आप निम्न सीमा को घटा दीजिए, तो यही वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। तो वर्ग 10 से 15 में वर्ग अंतराल कितना है, 5 का है, ठीक है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, वर्ग 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह लगे हैं। तो टैली चिन्ह दोस्तों आपको पता होगा, जब किसी भी वर्ग या आंकड़े की भी बारंबारता 4 से अधिक होती है, मतलब कि 5 होती है, तो हम लोग 4 लाइन खड़ी और 5वीं लाइन ना खींच करके एक तिरछी लाइन खींच देते हैं। इसी चिन्ह को, यही जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम लोग टैली चिन्ह बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग 15 से 20 में कितने टैली चिन्ह लगे हैं, तो 15 से 20 वाले वर्ग में हम देखेंगे दोस्तों, और टैली चिन्ह इसमें कितना लगा है, एक ही टैली चिन्ह लगा है, क्योंकि बारंबारता देखिए यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 1 पाई और आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही टैली चिन्ह दोस्तों लगा हुआ है, 5 के लिए 1 टैली चिन्ह और 4 के लिए 4 खड़ी पाई, ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि 15 से 20 के वर्ग में कितने टैली चिन्ह लगे हैं, तो 1 टैली चिन्ह लगा है, यहाँ पे उत्तर 1 हो जाएगा, ठीक, 1 टैली चिन्ह लगा है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न दोस्तों, इसके बाद का प्रश्न है बीजीय व्यंजक एक्स इंटू 3x+6 बराबर 3x2+6x सर्वसमिका है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको x के विभिन्न मान लेने हैं और बायां पक्ष लेना है, यानी कि बायां पक्ष क्या है, यहाँ पे बायां पक्ष जो है वह है x इंटू 3x+6, ठीक। और फिर एक कॉलम आपको बना लेना है दाएं पक्ष का, यानी कि 3x2+6x। अब दोस्तों सर्वसमिका हमें देखना है कि यह है कि नहीं, तो सर्वसमिका हम कैसे देखते हैं, हम x के विभिन्न मान के लिए
बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं और हम जानते हैं कि सर्वसमिका तभी होती है जब x के सभी मान के लिए दोनों बायां और दायां पक्ष बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेते हैं x का जो मान है वह शून्य है, तो शून्य मान रखिए। अब बाएं पक्ष में दोस्तों जब x का मान शून्य रखेंगे तो x इंटू 3x प्लस 6 लिखा है तो बाहर ही शून्य हो जाएगा। ठीक, तो बाहर जब शून्य हो जाएगा दोस्तों तो ब्रैकेट में कुछ भी रहे पूरा मान जो कितना हो जाएगा, पूरा मान शून्य ही आएगा, तो इसका मान शून्य हो जाएगा। अब देखिए फिर दाएं पक्ष में देखते हैं तो यहाँ भी x का मान जब शून्य रखेंगे दोस्तों तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, शून्य। ठीक, अब इसके बाद x की वैल्यू एक रख लेते हैं, तो एक रखेंगे तो देखिए बाएं पक्ष में एक गुड़े तीन गुड़े एक धन छः हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, नौ मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू एक रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा तीन गुड़े एक धन छः गुड़े एक, यानी कि यह भी कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा। फिर इसके बाद x की वैल्यू दो रख लेते हैं, ठीक, तो दो की रखेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू टू प्लस सिक्स, यानी कि तीन का गुड़ा दो में होगा तो ये हो जाएगा छः धन छः बारह, और बारह में दो का गुड़ा होगा तो ये हो जाएगा चौबीस। ठीक, इसी प्रकार यहाँ x की वैल्यू दो रख लेते हैं तो ये हो जाएगा तीन गुड़े दो का वर्ग धन छः गुड़े दो, यानी कि तीन गुड़े चार हो जाएगा, तीन गुड़े चार कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीन गुड़े चार बारह मिल जाएगा, फिर धन छः गुड़े दो कितना आ जाएगा, बारह, तो बारह धन बारह चौबीस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि x के विभिन्न मान हम लोग रख रहे हैं तो हमें जो दोनों पक्षों के मान हैं वह बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, शून्य बराबर शून्य, नौ बराबर नौ, चौबीस बराबर चौबीस, तो इसी प्रकार आप विभिन्न मान रख के देखेंगे दोस्तों तो वैल्यूज आपको बराबर ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि यह सर्वसमिका है। ठीक, अब यह प्रश्न दोस्तों अगर आपसे अति लघुत्तरी में पूछता है तो आप केवल लिख देंगे कि हाँ यह सर्वसमिका है, और लघुत्तरी में पूछता है तो आप इस प्रकार यह सारणी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप सारणी बना देंगे दो नंबर के लिए और एक नंबर के लिए लिख देंगे कि हाँ दोनों पक्षों का मान x के किसी भी मान के लिए बराबर है, तो यह एक सर्वसमिका है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, और यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों आपको अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है ताकि दोस्तों सभी प्रशिक्षु भाई बहनों की तैयारी कम समय में काफी अच्छी हो पाए और सभी को पता चल पाए कि हमसे गलतियां कहाँ होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा उस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और मैं आपका साथ हमेशा ऐसे ही देता रहूंगा, चाहे आपकी डीएलएड परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, हम लोग आपके सभी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उसके बगल आ जाएगा उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन जो है वह आपको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों, या इससे पहले गणित का जो नोट्स है उसका फ्री पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करना है, या फिर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर पुराने वीडियोज, इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन यहाँ पे आ रहा होगा, आई बटन पे आप क्लिक करके, इससे पहले मैंने दोस्तों सभी क्लासेस आपकी ले ली हैं, सभी चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, उनपे आधारित प्रश्न करा दिए हैं, और अगर आपको फिर से चैप्टर वाइज नोट्स के माध्यम से पढ़ना है और सभी चैप्टर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके आज ही अभी बता दीजिए कि हाँ हमें फिर से पढ़ना है नोट्स के माध्यम से, तो मैं आपको फिर से दोस्तों पढ़ा दूंगा रिविजन एक बार आप का, चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा, चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी गलतियां मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता दूंगा, जिससे कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, आप 25 में 25 स्कोर करके ही आओगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी हो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा
यह वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस जल्द ही शुरू की जाएंगी चैनल पे, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।